हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण वाम की आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस रिपोर्ट एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारे एपिसोड 1 में कोरोना वायरस के किस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं, बीदर डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है, बसवा कल्याण में क्या हाल है, कर्नाटक में कितने कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कोरोना वायरस की इब्तदा के बारे में। कोरोना वायरस को सबसे पहला केस नवंबर 2019 में चाइना के वुहान में पाया गया था, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे पहला केस जनवरी के महीने में 2020 में पाया गया था चेन्नई में। वो शख्स फिर बेंगलोर आया, उसके बाद कोरोना वायरस हिंदुस्तान में बढ़ता चला गया। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट से पूरी दुनिया तक हम जाएंगे, पहला डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे, 14 तारीख की अगर मैं बात करूं, 4 दिन का डेटा देखेंगे पिछले गुजरे हुए, 14 तारीख की अगर मैं बात करूं तो बीदर डिस्ट्रिक्ट में 14 तारीख को 290 केस हुए और 121 लोग डिस्चार्ज हुए। फिर 15 तारीख को 363 लोगों को कोरोना वायरस हुआ बीदर डिस्ट्रिक्ट में, फिर 191 लोग डिस्चार्ज हुए। फिर 16 तारीख अगर डेटा देखें तो 326 लोगों को कोरोना वायरस हुआ बीदर डिस्ट्रिक्ट में और 159 लोग इससे डिस्चार्ज हो गए। फिर आज की अगर बात करें 17 अप्रैल की, तो आज के दिन बीदर डिस्ट्रिक्ट में 359 लोगों को कोरोना वायरस हुआ जिसमें से 96 लोग डिस्चार्ज हुए। अगर हम पूरे स्टेट का डेटा देखें इस वक्त, तो अब तक कर्नाटक में कोरोना वायरस के 11,41,998 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 10,09,550 लोग ठीक हो चुके हैं। इसको आप माइनस करके देख सकते हैं कि प्रेजेंट कितने केसेस हैं। आप फिर से मैं आपको डाटा बता देता हूं, 11,41,998 लोगों को कर्नाटक में कोरोना वायरस हो चुका है, जिसमें से 10,09,550 लोग ठीक हो चुके हैं, और कर्नाटक में मरने वालों की तादाद 13,270 है अब तक कोरोना वायरस की वजह से। और आज के अगर एक दिन की अगर मैं बात करूं 17 अप्रैल को कर्नाटक में कितने लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई, तो यह आंकड़ा 80 तक जा पहुंचा है। और पूरे कर्नाटक में लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो 12.20% है, यानी कि 12.20% लोग रोजाना कोरोना वायरस की इसमें आ रहे हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 1,45,00,000 केस हो चुके हैं, जिसमें से 1,27,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस के हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 1,45,00,000 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और 1,27,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और अगर पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो मरने वालों की तादाद 1,76,000 है। और अगर ग्लोबली हम अगर देखेंगे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं, तो अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 13,86,88,383 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये रिपोर्ट 17 अप्रैल तक की है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि पूरी दुनिया में 13,86,88,386 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 29,78,935 लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। 29,78,935 लोग। अगर हिंदुस्तान हम देखें तो लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, सबसे टॉप जो स्टेट आ रहा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रेगुलर सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे केरल आ रहा है, केरला में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और फिक्र की बात हमारे लिए ये है कि कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। कर्नाटक में पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक तीसरे नंबर पर है जहां पर लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं, ताकि लोग इससे अवेयर हो जाएं कि क्या सिम्टम्स हैं इसके, तो सीरियस सिम्टम्स, अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना टेस्ट कराएं। वो सीरियस सिम्टम्स क्या हैं? सांस लेने में मुश्किल होना या सांस का अधूरा होना, उसके बाद चेस्ट पेन या फिर प्रेशर की वजह, प्रेशर भी हो सकता है आपके चेस्ट में आपके। दूसरा, बात करते हुए अगर आप बात कर रहे हैं तो आप लगातार बात नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट ऑफ स्पीच कहेंगे इसे। अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, आप इन्फेक्टेड हो गए हो, तो इसका असर आपको 4 से 5 दिन में देखने में मिलेगा। और अगर कोरोना वायरस किसी को हो चुका है तो उसके ठीक होने में या फिर कोरोना वायरस की जो मुद्दत रहेगी वो 14 दिन तक रहेगी। तो ये थी आज की कोरोना वायरस रिपोर्ट एपिसोड 2। मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप एहतियात बरतें, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने घर के बुजुर्गों के बारे में सोचिए। मैं खासकर नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग बेवजह बाजारों में ना फिरें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें, क्योंकि नौजवानों का इम्यून सिस्टम ताकतवर होता है। अगर कोरोना वायरस हो भी जाता है तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, मगर अगर कोई नौजवान बाहर के कोरोना वायरस इन्फेक्टेड होकर घर आएगा, बच्चों को गोद में लेगा, ज़ईफ माँ बाप के करीब जाएगा, दादा दादी के पास जाएगा, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, वो इससे जल्दी अफेक्टेड हो जाएंगे और उनके मरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बीपी, शुगर, हार्ट, उनकी बीमारियां होती हैं। तो मैं नौजवान को गुजारिश करता हूं कि वो एहतियात बरतें, घर जब जाएं तो गर्म पानी से हाथ धोएं, जल्दी से बच्चों को गोद में ना लें, माँ बाप के करीब ना जाएं, बल्कि गर्म पानी से मुंह हाथ धोकर कुछ मुद्दत बैठे अकेले, उसके बाद लोगों से मिलें, घर में तमाम लोगों से मिलें। तो ये एहतियात थी। रमजान का महीना चल रहा है, बाजारों से चीजें खरीद कर खाना कम से कम करें, इफ्तारी की कोशिश करेंगे घर में इफ्तारी बनाएं, बाहर से फ्रूट वगैरह ना खरीदें, क्योंकि पता नहीं वो फ्रूट, वो
वो चीज़ें कितने हाथों से कितने ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक आई है। तो कोशिश करें कि इफ्तारी का इंतज़ाम घर में करें, इसी तरह से एहतियात बरतें और इसी तरह से देखते रहें मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़।